में जा रही हूँ, उस महल में पहले से 170। जैसे स्वामी जी की मुखार बिंदु से सुनी कि उस महल में बड़ी दीदी है, मेरे सर में ज्वाला मुक्ता सोचने लगी, हे भगवान यदि मैं उस महल में जाऊंगी 170 के नीचे रहने के लिए, इसलिए मैं आज स्वामी जी के साथ एक बहाना बनाई हूँ। बहाना क्या बनाई हूँ, सबसे पहले मैं बता देने के लिए चाहती हूँ, मुझे कोई पानी प्यास नहीं, मैं तो सिर्फ बहाना बनाई हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। स्वामी जी के पाले आने के लिए सबसे पहले मास्टर साहब मैं जानने के लिए चाहती हूँ, क्या एक जंगल में शेर और बकरी रह सकते हैं क्या? कदा भी नहीं, तो बताइए मैं उस महल में जाऊंगी 170 के नीचे कैसे? एक तालाब में शेर और बकरी पानी नहीं पी सकते, तो बताइए मैं उस महल में जाऊंगी 170 के नीचे? हमें आदत है एक रोटी खाने की, हमें आदत है एक रोटी खाने की, यदि उसमें आधी हो जाए क्या कभी पेट भरेंगे? कदा भी नहीं, तो बताइए मैं उस महल में जाऊंगी 170 के नीचे कैसे रहूंगी? ठीक है, स्वामी जी के पानी लाने के लिए आज जैसे स्वामी जी पानी लेके आएंगे, सबसे पहले मैं स्वामी जी के साथ सत करवाऊंगी, सत करवा के उस महल में जो बड़ी दीदी है यानी कितनी हरम जाती है उन्हें सदा के लिए बनवास करूंगी, उस महल में जा इसी जगह से पाँव पैदल अपने महल चले जाऊंगी। ठीक है, स्वामी जी के पानी लाने के लिए मैं स्वामी जी का इंतजार करती हूँ। तुम्हारे लिए कहीं से पानी ढूंढ कर लेकर आए हो इस उत्तमपुर सिवार पर, और मेरे हाथों से तुम पानी पी लो महाराज। रुक जाइए स्वामी जी, स्वामी जी आज आपके हाथों से मैं पहली बार पानी पी रही हूँ, पी रही हूँ। इससे पहले स्वामी जी आपको मेरे साथ सत करने होंगे, उसके बाद में आपके हाथों से पानी पियूंगी। हाँ स्वामी जी, ये पानी पीने के लिए सत करना पड़ेगा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। हे स्वामी जी, जब मैं कुवारी थी स्वामी जी, कुवारी थी, मैं अपने मन में प्रतिज्ञा की थी। प्रतिज्ञा? हाँ, वो कैसी प्रतिज्ञा? हे स्वामी, प्रतिज्ञा यही की थी, जब हमारी शादी होगी, हो जाएगी, मैं स्वामी जी के साथ महल जाऊंगी, जाएगी महल में स्वामी जी के हाथों से पहली बार कोई वस्तु लेने से पहले मैं स्वामी जी के साथ सत करवाऊंगी। तुम्हारा आने में तुम्हारी प्रतिज्ञा को अनेक ही कभी अवहेलना नहीं करूंगा। क्यों नहीं? तो ठीक है महारानी, मैं तुम्हारे लिए अवश्य सत करूंगा महारानी। ठीक है स्वामी जी। आहे कैसा तन हा कर लई है यदि सत से मैं सत होगा तो अंत नरक में वास होगा। रघुकुल रीति सदा चल आई, अप्राण जाई पर वचनों न जाई।
स्वामी जी। ये लो महारानी आज हमारे हाथों से तुम पानी पीकर अपने प्यास को बुझा लो महारानी। ये क्या हो गया महारानी? अरे महारानी कान खोल के सुन लिया, आप किसी वक्त आप महल जाइए। हाँ आप महल जाइए, महल में जो बड़ी शोधन है अरे कुत्ती हरम जाती है उन्हें सदा के लिए बन बन। महारानी के पुण्य प्रताप से तुम उस महल में कदम रखने के लिए जा रही हो, आज तुम उसी महारानी को 14 वर्ष के लिए बनवास कर दिया। लेकिन महारानी एक कार्य मुझसे कदापि नहीं हो सकता है। क्या आप मेरी बातों का अवहेलना करेंगे? आप मेरी बात नहीं मानेंगे? महारानी मैं कह रहा हूँ ये कार्य मुझसे नहीं हो सकता है। नहीं होगा तो इसमें मेरा क्या जाएगा? मेरा क्या जाएगा? आपका सच जाएगा, धर्म जाएगा और आपका राज और आपका ये तज सदा के लिए। भगवान ये सत्य 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 एक राजा इसी मोड़ पर आकर एक सत्य के कारण मजबूर हो जाती है। ठीक है महारानी, मैंने अपने सत्य को बचाने के लिए अभी इसी वक्त यहाँ से महल जा रहा हूँ और महल से बड़ी महारानी को 14 वर्ष के वनवास कर दूंगा। सभी जी रुक जाइए। अरे बाप आप तो जा रहे हैं परंतु मेरे लिए क्या सोचे हैं? महारानी तुम्हारे लिए मैं क्या सोचूंगा? स्वामी जी जाते ही मेरे लिए कोई मारुति कार लेकर आइएगा, अन्यथा मैं उस महल में पांव पैदल चली गई इसका अंजाम क्या होगा आप जानेंगे। महारानी जाते ही मैं बड़ी महारानी को घर से बाहर कर दूंगा और बाहर करने के बाद मैं तुम्हारे लिए कोई कार्य मारुति अवश्य लेकर आऊंगा। तब तक तुम इसी जगह इंतजार करो, मैं एक पल में ही आ रहा हूं। आहे चलिए अब लिए करूंगा, लेकिन बड़ी महारानी ने मेरे बातों को एक बार भी नहीं माना।